धीरज धर्म मित्र अरुण। चाय पीने वाले मित्र बहुत होते हैं, लेकिन सहारा देने वाले मित्र जो होते हैं वास्तव में वही मित्र होते हैं ये केवल चाय की चस्की लेकर निकल जाने वाले चोर। इनसे मित्रता छोड़ दीजिए, ये न जाने किस बीच धार में तुमको धोखा दे दे, तुम डूब जाओगे। इनसे राम राम करने से कोई फायदा नहीं, बस। एक आदमी सरपंच का चुनाव लड़ा और सरपंच के चुनाव से पहले सबके घर घर 5-6-10 साल से बैठता रहता था, बातें करता रहता था, सबको कुछ करता रहता था, बहुत दोस्त बनाए और चुनाव लड़ा तो उसको वोट कम मिला, वो हार गया। तो मेरे पास आया, बोला हमको पूरा ज्ञान हो गया। हमने कहा क्या ज्ञान हुआ? बोले फोकट में टाइम बर्बाद कर दिया, सब हमारे झूठे मित्र बहुत थे सबको छोड़ दिया, अब ठोस ठोस रखा हूं माल। ऐसे मित्र की भी परीक्षा संकट की घड़ी में होती है और धर्म की परीक्षा भी दुख में होती है। ऐसे तो हर आदमी धार्मिक है, लेकिन कोई संकट आ जाए, समस्या आ जाए, फिर भी धर्म न छोड़ो, तब समझ लो तुम धर्म पर चलते हो। तो गाइए एक बार चौपाई, फिर समापन करता हूं, मंत्र बोल देता हूं समापन का। बहुत हो गया प्रवचन, खतरनाक हुआ प्रवचन, लंबा हुआ प्रवचन, गजब का हुआ प्रवचन, थका नहीं तो भी हो गया प्रवचन, रुका नहीं तो भी हो गया प्रवचन, और कितना हुआ प्रवचन जब बताऊंगा तब बताऊंगा। 3 घंटे होने वाला है प्रवचन, और यहाँ बहुत मेहनत इसलिए किया हूं क्योंकि बहुत मेहनत, हमसे ज्यादा मेहनत भोग सम वालों ने किया है, इसलिए हमको भी मेहनत करना चाहिए था। धीरज धर्म मित्र अरुणारी अपति काल परखिए चारी, अपति काल परखिए चारी। ये जीवन कैसे जीना चाहिए, बड़े आश्चर्य की बात है कि मनुष्य जीवन में प्रायः लोग दुखी रहते हैं, अक्सर लोग चिंतित रहते हैं, अधिकतर लोग सो नहीं पाते, और ज्यों ही 16 साल की ऊपर उम्र बढ़ती है त्यों ही मनुष्य के ऊपर लोड बढ़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ती है। और 25 साल की उम्र में पहुंचते पहुंचते वो व्यक्ति ओवरलोड हो जाता है, ओवरलोड है। और पूरे विश्व के अंदर ट्रेन देखिए, ट्रेन में सवारी ओवरलोड है, बसों में यात्री ओवरलोड है, सड़कों पर चलने वाले ओवरलोड है, ट्रक में सामान ओवरलोड है, तो आदमी भी ओवरलोड है। ओवरलोड का अर्थ होता है जितना लोड खींच सकता उससे ज्यादा लोड है, ये ओवरलोड का अर्थ होता है। और सबकी लोड लेने की क्षमता भी बिलक बिलक है। कितने लोग तो एक पत्नी का लोड लेने में ही बिल्कुल उनकी कमर टूट जाती है, कितने लोग 2 बच्चों का भी लोड नहीं ले पाते, एक बहू का लोड लेना मुश्किल है। लेकिन राजा सगर से सीखो, उन्होंने 60,000 पुत्रों का लोड लिया था, उनके 60,000 पुत्र थे। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, कीचक 100 भाई था, और इनका सबका इतना ओवर लोड हो गया। महाराजा दशरथ के 3 पत्नी थी, वो भी ओवर लोड थे,
और इतना ओवरलोड हो गया कि राजा दशरथ बीच में ही दुखी होकर मर गए। तो मैं आपसे ये नहीं कहूंगा कि बहुत ओवरलोड में रहे आप, नहीं तो राजा दशरथ वाली दशा हो सकती है। और कितने लोगों की दशा है भी, लेकिन अभी मरे नहीं है, ये बात अच्छी है। दशरथ बनना बहुत कठिन है। ओवरलोड किसको होता है? जो लोग सही तरीके से काम नहीं करते, जिनके कार्य करने का तरीका ठीक नहीं, वो लोग ओवरलोड हो जाते हैं। जिन लोगों को काम करने में मन नहीं लगता है, वो हमेशा ओवरलोड रहते हैं। जो लोग फूल भी नहीं उठाना चाहते हैं और उनको 1 किलो वजन उठाना पड़े तो ओवरलोड हो जाता है। जो लोग 100 क्विंटल उठाने की इच्छा रखते हैं, उनको 90 क्विंटल उठाना पड़े तो भी हल्का लोड रहता है। याद रखना, बहुत बड़ा लोड लेने की इच्छा पैदा कीजिए तो जितना लोड मिलेगा वो आपको लगेगा हल्का लोड है, और इससे ज्यादा लोड लेने की इच्छा है। और जितना ज्यादा तुम लोड लोगे, जितनी ज्यादा जिम्मेदारियां लोगे, उतना ज्यादा तुम बुद्धिमान बनते चले जाओगे। और जितना ज्यादा फ्री रहोगे, उतना तुम मूर्ख और दुर्गुणी बनते चले जाओगे। दिमाग से काम नहीं लोगे तो दिमाग आलसी बन करके सोचना, विचारना, याद करना बंद कर देगा। सरसत के भंडार की बड़ी अपूरब बात, ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घट जाता। ये बुद्धि एक ऐसी चीज है, इसको जितना ज्यादा खर्च करोगे उतना ज्यादा बढ़ेगी। इसको खर्च नहीं करोगे तो बुद्धू राम हो जाओगे। अगर बुद्धि को खूब खर्च करोगे तो महात्मा बुद्ध जैसे बुद्धिमान हो जाओगे। और बुद्धि को लोग खर्च नहीं करना चाहते, बुद्धि से काम लेना ही नहीं चाहते। कितने लोग तो इतने आलसी है, वो कहता है कि हमको तो कोई काम के बारे में सोचने की इच्छा नहीं है। तो उनसे पूछो क्या सोचने की इच्छा है, बोले खाने के बारे में सोच रहा हूँ कि क्या खाने को मिलेगा और सोने के लिए बिस्तर कहाँ मिलेगा। बस बिस्तर मिल जाए और रोटी मिल जाए, क्या करना है। ये तो भिखारी हो ना तुम, मिल जाए बता रहे। भिखारी बोलता है दिन भर खाने की भीख मिल जाए बस ठीक है। अरे भिखमंगा, ऐसा क्यों सोच रहा है? ये सोच कि 1000 लोगों को और मैं खिलाऊंगा। ये शरीर से काम लो या न लो, ये शरीर एक दिन बूढ़ा होकर मर जाएगा। इस बुद्धि से काम लो न लो, ये आपकी बुद्धि, ये खोपड़ी मरने के बाद चिता में जला दी जाएगी। और अपने सुंदर स्वभाव के प्रभाव से कुछ कर सको या न कर सको, लेकिन ये सब शरीर नाशवान है, नष्ट हो जाएगा। इसलिए मरने से पहले पहले बुद्धि का पूरा प्रयोग कीजिए, अपने गुणों का सही प्रयोग कीजिए और इस शरीर से खूब काम लीजिए। खड़ी का नाम खटारा और चलती का नाम गाड़ी। नई गाड़ी लाकर खड़ी कर दो तुम 1 साल तो भी खटारा हो जाएगी, जंग खा जाएगी, मूर्छा लग जाएगा। और 20 साल पुरानी गाड़ी रोज झाड़ पहुँच कर चलाते रहो तो वो भी चमकती रहेगी और चलती रहेगी। याद रखना, जिन्होंने अपने शरीर की गाड़ी को खड़ा कर रखा है वो सब खटारा हो गए हैं। जो शरीर की गाड़ी से रोज काम लेते हैं उनकी गाड़ी चमकती रहती है। इसलिए शरीर से काम लो। कितने घरों में सासू जवान दिखती है, बहू बूढ़ी दिख रही है। बहू डोकरी हो गई और सासू छोकरी हो गई। तो मैंने पूछा ये ऐसा उल्टा क्यों हुआ? तो उन्होंने बताया कि मेरी बहू तादाद से ज्यादा आलसी है।
बैठी रहती है, दो घंटे तो बाल सुधारती है, आधा घंटे गाल सुधारती है और चाल कभी सुधारती ही नहीं है। बाल और गाल सुधार रहे हैं और चाल बिगड़ी जा रही है। तो सासू कह रही थी, इसको देख देख करके मेरे अंदर गुस्सा आता है कि इसके बाल रात में हसिया से काट दो क्या। बैठे रहने से बहुत बीमारियां आती है, खड़े हुए कि बड़े हुए और चल पड़े कि पहुंच गए। इसलिए परिश्रम को महान चाबी कहा गया है विकास की। और यह भी याद रखना, जीवन में वही व्यक्ति कुछ कर सकता है जो व्यक्ति सहनशीलता रख सकता है, जो व्यक्ति अपनी गलतियों का सुधार कर सकता है वो बहुत कुछ कर सकता है। और जो व्यक्ति गलतियों का सुधार नहीं करता है वो जीवन में कुछ कर भी नहीं सकता है। आप अपनी गाड़ी का पंचर नहीं सुधारोगे यदि, तो आप यात्रा कर भी नहीं सकते हो। और गलतियां ऐसे हैं जैसे तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी का पंचर है, ये पंचर कौन ठीक करेगा। ये जिंदगी की गाड़ी का पंचर जो है वो सत्संग में जाने पर कोई गुरु अपनी अमृत वाणी के द्वारा ठीक करता है। और जब तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी का पंचर ठीक हो जाता है तो विकास और सफलता और शांति की मंजिल की ओर तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी बढ़ना शुरू करती है। फिर तुम वो प्राप्त करते हो जो पाना चाहते हो। कितनों लोगों के तो जिंदगी की गाड़ी के टायर सब भ्रष्ट पड़े हैं, फटे हुए, चिथड़े उड़ गए, खाली रिम बचा है और कुछ नहीं बचा है, रिम और मोबाइल का सिम। और ये भी याद रखना, तुम कुछ भी करना चाहते हो तुमको बहकाने वाले लोग भी मिलेंगे। तुमसे ये भी लोग कहेंगे कि क्या बैल की तरह रात दिन मर रहे हो। उनसे तुम कह दो क्या भैंस की तरह तुम पड़े हुए, तुम जवाब क्यों नहीं देते। जो तुमको कहे कि बैल की तरह मर रहे हो तो तुम कहे तो तुम गधे की तरह पड़े रहते हो, जवाब दे दो चुप हो जाएगा। जवाब नहीं दोगे तुम्हारे अंदर मनोबल गिर जाएगा। मुझे एक साधु मिला, बोला कि रात दिन आप इतनी मेहनत करते इससे क्या फायदा। तो हमने कहा रात दिन तुम भैंस की तरह पड़े रहे तो इससे क्या फायदा, 10 लीटर दूध भी नहीं देते, भैंस तो दूध भी दे देते। तो बोले हम तुमसे बात नहीं करना चाहते। हमने कहा हम तुमको तो सुनना ही नहीं चाहते, आलसी कहीं का काम चोर निकम्मा हमको बर्बाद करना चाहता, घोकसम कैसे जाऊंगा, आलसी हो जाऊंगा। तो ऐसा कुछ लोगों को जवाब भी देना जरूरी है, नहीं तो वही लोग आपके मनोबल को डाउन कर दे। कुछ लोग आपको सिखाएंगे जिंदगी में कहां तक दौड़ते रहोगे, कहां तक मेहनत करते रहोगे, कुछ आराम भी करो। काम करने के बाद ही आराम का सुख मिलता है, बिना काम किए आराम भी दुखदायी होती है। जो काम नहीं करते हो आराम करते हैं उनके पूरे शरीर में दर्द रहता है, उनकी पीठ में दर्द, पीठ में दर्द, पेट में दर्द, हाथ सब दर्द ही दर्द रहता है। और बिना काम किए ना तो भूख लगती है ठीक से, ना नींद आती है ठीक से। आज हमारे देश के अंदर भूख की बीमारी भी पैदा हो गई, भूख नहीं लोगों की, खाने के लिए खूब है लेकिन भूख नहीं,
सोने के लिए बिस्तर अच्छे हैं पर नींद नहीं है, और गाड़ी टाप की है लेकिन कहीं जाने का कोई प्रोग्राम ही नहीं है, खड़ी है। कितने लोगों ने गाड़ी खरीदा है, साल में दो चार बार बैठे हैं, उसको ढांक कर ऐसे खड़ी किया है लगता है कोई मुर्दा ढांका गया। मैंने पूछा इसको कब खोलते हो, बोले साल हम दो बार निकाल लेते। तो मैंने कहा इससे अच्छा तो शोरूम में खड़ी थी वही ठीक था, 10 लाख रुपया भी लग गए, खाम खा जगह घिरी, एक कमरा तुम्हारा 2 लाख का कमरा फंस गया और 10 लाख गाड़ी में फंस गए, और उसको ढांकते रहते हो रोज, इससे मतलब क्या है? कोई दूर से देखे तो लगता है कोई हाथी का बच्चा खड़ा है वहां बैठा। गाड़ी की जरूरत ना हो कभी खरीदिए मत, जिस सामान की आवश्यकता नहीं उसको खरीदिए मत, और खरीद लिया है तो उसको दान कर दीजिए, फालतू घर में बर्डन बनेगा दिमाग का। जिन लेडीजों के पास साड़ियां ज्यादा हों 10-20 साड़ी दान कर दो, उनको रखना उठाना हो फिर इसमें उसमें सेट करना, जगह घिरी अलमारी में जगह नहीं है, अब घुसेड़ घुसेड़ के उसमें रख, उसमें से रखो मत, निकाल लो और दे दो किसी को। हम महिलाएं खुश है, कल से साड़ी निकलेगी, जिसको लेना हो आ जाओ। कितने पुरुष लोग भी खड़े हो जाएंगे कि एक हमको लाइए, तो तुम क्या करोगे? तुम कोई लेडीज हो? बोले लेडीज नहीं हो पर मेरे घर में लेडीज। फालतू सामान दिमाग की टेंशन बनता है। विवाह कीजिए, शादी कीजिए, उसमें दहेज में सामान मत लीजिए, ये सब फालतू, थाली कटोरी तसला परात और भगौना और गगरा और मटका झटका और ऊपर से कुछ और लटका और सोफा सेट और सोफा सेट, पूरे घर का दिमाग सेट नहीं हो सोफा सेट रखी। मैं किसी प्रदेश में किसी के घर गया तो उसके घर में सोफा सेट टांड के ऊपर रखी थी। टांड जानते? वो छत के नीचे एक छोटी और छत निकालते हैं सामान रखने के लिए, क्या बोलते उसको? छज्जा, छत, छज्जी, छज्जी, छज्जी उसको बोलते। तो छज्जी के ऊपर सोफा सेट रखा था, वो छज्जी पर सोफा सेट रखा था। तो मैंने उनसे पूछा ये सोफा सेट ऊपर रखा है कौन बैठता ऊपर है? बोले बेटे के विवाह में मिला था। तो मैंने कहा ऊपर बेटा बहू बैठते क्या छज्जी पे जाके? बोले ऊपर वो तो नहीं जाते लेकिन उस पर बिल्ली बैठती है, चूहे बैठते हैं, छिपकली बैठती है। तुमने कहा ये 10-20 हजार रुपये उसमें खाम खाम फंसाया है। बुद्धिहीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार और बल बुद्ध विद्या देव में हम भोंगड़ दास महाराज, ये सोफा सेट मत लो। ये बर्तन वर्तन का कबाड़ खाना मत लो, दोनों समधी समधी सलाह कर लो, और अपनी बेटी के लिए बेटी की ससुराल में एक अच्छा सा कमरा, एक अच्छा सा लेटरिन बाथरूम, एक अच्छा सा किचन बनवा दो और उसको सोने के लिए बेड दे दो। तुम्हारे बेटी के ससुराल में सास बहू का झगड़ा 80% इसी से खत्म हो जाएगा। ये काम करो, उसके यहाँ कमरा बना दो, क्योंकि उसका भी बेटी का ससुर वो भी कबाड़ बुद्धि का है, दिमाग है नहीं, इसलिए कुछ ठीक ठाक काम नहीं है, पर तुम दिमाग लगाओ वहां ये काम कर दो। सामान तो जब जब उनको जरूरत पड़ती रहेगी अपना खरीद लेंगे 10-5 हजार का, पर ये काम करो। और यदि मकान अच्छा बना हुआ है तो उनको फर्स्ट क्लास 10 लाख की गाड़ी दीजिए, 5 लाख तुम लगा दो, 5 लाख बेटे वाला लगा दे, गाड़ी दे दो, तुम्हारी बेटी कार में चलेगी वो ठीक है, लेकिन फालतू खाम खा सामान, कितने घरों में दो दो कपड़ा धोने की मशीन धरी है,
और उसके धरने की जगह नहीं, हम बाथरूम जाते उसमें टांग लड़ती खाम खाम। तो ये सारा सुधार, इसको विवेक कहते हैं। विवेक दहेज में, पहली बात तो दहेज बहुत कम लेना चाहिए। किसी दूसरे का फोकट धन जब घर में आता है तो घर वालों को दुष्ट बना देता है, लो मत जाता है। और फिर भी सहज भाव से मिल रहा है तो उस धन से ऐसी चीज लो जो तुम्हारे घर में है नहीं, जिसकी जरूरत है। और शादियां दिन में करो, रात में नहीं। रात में खाम खाई इतना लाइट जलाना, जनरेटर जलाना, हो हल्ला मचाना, रात भर जागना, तबीयत खराब करना, दिन में करो 12 बजे से लेकर 3 बजे तक। और शादी सार्ट में करो। पंडित को 100 रुपये ज्यादा दे दो, उसे बोल दो सार्ट मंत्र बोल, अल तू बकवास बनाता, जल्दी बोल दे। मुझे एक लोग पधरौनी में ले गए छत्तीसगढ़ प्रदेश में, मैं शादियों में नहीं जाता हूँ, तो हमें झूठ बोलकर ले गए और वहाँ शादी पहुँचा दिया। तो उनकी भगत जी की बेटी का विवाह था, तो बेटी आगे चल रही थी, उसके पीछे वो दामाद ऐसे हाथ करके छाया बनाता हुआ सात फेरे घूम रहे थे। अब वो बेटी इतना धीरे चल रही थी चींटी चाल में, बेटी और चाल चींटी, टेप 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 टेप। तो पहचान वाले थे, हमने कहा बेटी तू मुझे जानती है, मुझे देर हो रही, प्रोग्राम लगा है, थोड़ा स्पीड बना, टॉप गियर डाल, घूम जा जल्दी। तो वो मुस्कराई, तो मैंने दामाद से कहा तू थोड़ा धक्का ही लगा इसको, आगे बढ़ा। तो दामाद सोचा यार अजीब गुरु आया है। पंडित से फिर मिला वो जो मंत्र बोलता था, हमने कहा तू फटाफट बोल दे, थोड़े बहुत छोड़ दे, कौन संस्कृत पढ़ा है यार। तो बोला हम तो तुम ही को डरते हैं, तुम पढ़े लिखे विद्वान हो, पकड़ लोगे। हमने कहा हम तो चाहते ही आधे से लोग छोड़ दो, बोल दो निपट जाए जल्दी, निकलो इस। तुमने कहा तू मेरे को माइक ला, मैं बोल देता हूँ मंत्र। मैंने 100 श्लोक फट से बोल दिया 7 मिनट में, बार 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 बार। संस्कृत में बोलो किसको मालूम है कि विवाह वाले मंत्र है कि कौन वाले मंत्र। तो मेरी आवाज जब माइक में गांव में फैली तो लोग बोले लगता गुरुजी आए हैं, वो कैसे आ गए यहाँ शादी में, वो तो आते नहीं है। तो गांव के लोग इकट्ठे हुए, बोले गुरुजी आप कैसे आ गए। तो हमने कहा ये झूठ बोल के ले आया, फंस गए किसे आ गए। इसका मन था हमारे बेटे का आशीर्वाद देते। कभी भी मुझ जैसे संत को शादी में बुलाना भी नहीं चाहिए, आना चाहता हो तो मना कर देना चाहिए, तुम मत आओ। उसमें बेटी दामाद समधी को संभालो, इस साधु के लफड़े मत फंसो, खाम खाम वहाँ कमंडल ले बीच में बैठ फालतू। वहाँ कौन काम महात्मा जी का, वहाँ तो सब भोग विलास का व्यवस्था है, शादी वादी है। फिर शादी होने के बाद जब बेटी दामाद थोड़ा सेट हो जाए तब गुरु जी को बुलाइए, और बेटी दामाद को बिठाकर, समधी को बिठाकर और सासू को भी बुला लीजिए। उस बेटी के जो सास है वही तो खतरनाक है, उसको बुलाइए। और फिर मुझको बुलाइए, और उनको ऐसा गुरुमंत्र दूं, गृहस्थी का ज्ञान दूं आधा घंटे तक, तो उसकी जिंदगी ससुराल में सही बीत सके। और ये विवाह में बुलाने से सब ढोल बज रही, हल्ला गुल्ला मचा है और सब गीत गाए जा रहे हैं, कोई नाच रहा है, कोई नाच देख रहा है, कोई टेढ़ी टांग के खड़ा है। मैं तो शादियों में एक दो बार फंसा तो देखा कि शादी तो एक लड़की की है, वो तो खैर सज धज कर खड़ी है, जैसा उसको चुनरी उनरी पहनाया लोगों ने, खुद भी उसने माथे की बिंदिया लगा लोगों के, वो लड़की भी समझती नहीं बेचारी कहाँ फंसने जा रही हूँ, कहाँ बिंदिया लगा रही हूँ लफड़े में फालतू। तो उसमें अन्य जो लड़कियाँ आती हैं और अन्य जो लड़के आते हैं वे दूल्हा और दुल्हन से ज्यादा फैशन में खड़े होते हैं, वो ज्यादा फैशन में। तो मैंने पूछा ये शादी दूल्हा दुल्हन की दो की है, ये बाकी सब लोग इतना एक्टिंग और फैशन में क्यों। बोले ये सब शादी के उम्मीदवार हैं सर।
ये सब प्रत्याशी लोग खड़े हैं, विधायक चुनाव के प्रत्याशी शादी के, इनका भी नंबर आगे आने वाला है। अब ऐसी माहौल के बीच में क्या साधु बाबा वहां शोभा देता मैं बैठूं उसमें? बिल्कुल नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमको तो ऐसे समय बुलाना चाहिए जब सब शांत माहौल है, ताकि सबको ज्ञान दे दे। ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान अपनी बिगड़ी बना लो हो, अपनी बिगड़ी बना लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे मना, ज्ञान गंगा नहा लो प्यारे तो जीवन में मनुष्य और लोड दिखाई देता है, पर इस बात को स्मरण रखना कि मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जो बुद्धि का सागर है, इसके पास बहुत बुद्धि है। इसके पास तुम्हारे पास में जितनी बुद्धि है उस सारी बुद्धि का तुम्हारा प्रयोग हुआ ही नहीं है। कितनी महिलाओं को मैंने कहते सुना है उत्तर प्रदेश में कि हमारा तो दिमाग फेल हो हुआ, तो हमने कहा किस में फेल हुआ? अरे बोले दो जोन पतोहु आई है वो दिमाग फेल कर दी से। तो हम कहें तो उसका दिमाग क्या सफल हो गया है? बोले दो बहुओं का दिमाग तो हमने अकेले फेल कर दिया। दो बहुओं ने मिलकर के एक सासू का दिमाग फेल किया है, एक सासू इतनी भारी पड़ी है कि दोनों बहुओं का दिमाग फेल कर दिया। तो हमने कहा सबका दिमाग फेल है तो घर का काम कैसे चल रहा है? तो बोले घर का काम भी सब फेल है। ये बुद्धि का सही प्रयोग क्यों नहीं हो पाता है, इसके लिए आज सही ढंग से समझना। कुछ तुम्हारी आदतें ऐसी रहती हैं जिन आदतों के कारण तुम उलझन में रहते हो, इसलिए बुद्धि का प्रयोग नहीं हो पाता है। कुछ ऐसा तुम्हारा स्वभाव रहता है जिसके कारण तुम सबसे टकराते रहते हो, जिससे तुम डिस्टर्ब होते हो, इसलिए आपकी बुद्धि का प्रयोग नहीं हो पाता सही। कुछ तुम्हारे चरित्र ऐसे रहते हैं जिन चरित्रों के कारण तुम टेंशन में पड़ते हो, और टेंशन में उलझने के पश्चात तुम अपनी बुद्धि का सही यूज नहीं कर पाते। कुछ तुम्हारे कर्म ऐसे रहते जिन कर्मों के प्रभाव से तुम असमंजस में पड़े रहते हो, तो बुद्धि का सही प्रयोग नहीं हो पाता। और कुछ ऐसी आपकी वाणी है, कहां क्या बोलना चाहिए, किसके प्रति क्या बोलना चाहिए, अभिमान भरी वाणी बोलते हो, गुस्सा में बोलते हो, जोश खरोश में बोलते हो, नाराज होकर बोलते हो, अपने को अफलातून मानकर बोलते हो, और बोलने के पहले तौलते नहीं हो, सिर्फ बोलते हो, बिना तौल के निकले हुए बोल वो तुम्हारी खोलते हैं पोल, इसलिए पहले तौलिए फिर बोलिए, हृदय तराजू तौल के तम मुख बाहर आन। और जो आदमी खर खर भर भर झरझर जिसके बारे में कुछ भी हुआ बोल दिया बोल दिया, अपनी पत्नी के सामने कभी अपने सास ससुर के बारे में कुछ भी नेगेटिव पॉइंट मत बोलना। यदि घर में शांति चाहते हो, तुम्हारी पत्नी बुद्धिमान हो या बुद्धू हो या जैसी हो, जलेबी कट हो या बर्फी कट हो, लेकिन ये मत कहना कि तू मूर्ख है तेरी माँ भी महामूर्ख है। अगर ये कह दिया आपने
उसकी माँ को कुछ कह दिया तो ये समझ लो इस बात का जिंदगी भर तुमको बदला चुकाना पड़ेगा फिर। हाँ मत बोलना, ये कहना तुम्हारी माँ बहुत बुद्धिमान है, भले ही मूर्ख हो पक्की क्या कर रहा बोले। और ये भी कहो तुम्हारे पिताजी बहुत होशियार आदमी है, ऐसा मुझे सास ससुर मिला हम धन्य हो गए, और हम तो उसी से बर्बाद हुई। और ज्यादा बोलो ही मत, सब ठीक है बस। कम बोलने वाले असमंजस में कम पड़ते हैं, अधिक बोलने वाले उलझन में अधिक पड़ते हैं। शत्रुघ्न ने मौन साधा था, लक्ष्मण ने सेवा साधा था, भरत ने प्रेम को साधा था, और राम ने सत्य और शांति को साधा था। याद रखना ये जो भजन हम गाते हैं ना, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना, इसका अर्थ समझो। राम बन के मतलब सत्य और शांति की राह पर चलो तो तुम राम बन गए। भरत बन के चले आना यानी प्रेम से भर जाओ, तुम्हारे अंदर इतना प्रेम हो, परिवार के सभी सदस्यों को प्रेम दीजिए, गम खा लीजिए, निभा लीजिए, तो समझो तुम भरत बन गए। और भाई की सेवा में अखंड खड़े हो जाओ तो तुम लक्ष्मण बन गए। और अपने भाइयों के बीच में बकवास बंद कर दो, मौन साध कर काम करो तो समझो शत्रुघ्न बन गए। याद रखना राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न का गुण एक ही आदमी में होने की जरूरत है। कभी जहां जरूरत है राम बन जाइए, फिर कभी लक्ष्मण बन जाइए, कहीं भरत बन जाइए, कहीं शत्रुघ्न बन जाइए, और यदि जरूरत पड़ती है तो कभी बजरंग बली बन करके साहस के काम भी करके दिखा दीजिए। बजरंग बली बन जाइए, पूरी रामायण पढ़ लिया, बने तो क्या बने, नकटी सुपर्णखा बन गए, बने तो क्या बने, उसमें से सीखो क्या बनना है, रावण नहीं बनना है, राम का गुण आना चाहिए। और तुम जिस चीज में राजी हो जाते हो, राजी होना यानी स्वीकार करना, वो कितना ही बड़ा कार्य हो लेकिन वो तुम्हारे लिए हल्का फूल हो जाता है, और जिसको तुम स्वीकार नहीं करते हो वो फूल भी तुम्हारे लिए त्रिशूल हो जाता है। अपनी सामर्थ्य को याद करो, कर बहिया बल आपनी छाण बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कस मरे प्यास। अपनी बाहु भुजाओं का बल करो, पराई आशा छोड़ो, मेहनत करो, संतोष भी रखो, उन्नति के लिए सोचो। अगर कभी जीवन में हार हुई है, बिजनेस में नुकसान हुआ है, कहीं तुम फीड खा गए हो, तो जरा एकांत में बैठ करके अंतर्मुख होकर के निष्पक्ष विचार से सोचना कि मेरी कहां कहां चूक हुई है। और जो व्यक्ति अपनी गलतियों को ढूंढने में सक्षम होता है, और जो अपनी गलतियों को स्वीकार करने में समर्थ होता है, और जो अपनी गलतियों को निकालकर बाहर करने में ताकतवर होता है, वह व्यक्ति अगले कदम पर सफलता को हासिल करता है, वो कभी फेल नहीं होता। अपने घर में कम बोला करो, आवश्यकता से ज्यादा बात मत कीजिए, अन्यथा लोग बकवासी करेंगे। पूरा मौन साध कर मत बैठिए, अन्यथा लोग बेवकूफ कहेंगे। गुम सुम मत बैठिए, अन्यथा लोग तुमको दुखी ही कहेंगे। थोड़ा प्रसन्नता होनी चाहिए मुखमंडल पर, खुशी होनी चाहिए, खुले दिल के इंसान बनिए। टेंशन फालतू मत लीजिए, सब कुछ तुम्हारे हाथ में नहीं है, तुम्हारा अधिकार इतना नहीं है कि प्रकृति को तुम बदल सको, तुम्हारा पावर इतना नहीं है कि इस नेचर के सिस्टम को तुम चेंज कर सको।
और तुम्हारे में इतनी भी सामर्थ्य नहीं है कि पूरी दुनिया को बदल सको, लेकिन तुम्हारे अंदर एक ताकत बहुत बड़ी है कि तुम खुद को बदल सकते हो, और जो खुद को बदल सकता है उसके लिए दुनिया भी बदली हुई नजर आती है।